नमस्कार, हम हैं धर्म दुबे। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में चुनाव है, तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के किस्से, इस तरह की कहानियां आनी ही है। नीतीश कुमार को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर इस समय चल रही है, वीडियो भी वायरल हो रहा है। मंच से नीतीश कुमार जनता को दहाड़ रहे थे, भाषणबाजी कर रहे थे। इस बीच लोगों ने उन्हें चोर कहना शुरू कर दिया। क्या है पूरा मामला, ये भी जान लीजिए इस वीडियो में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को औरंगाबाद के रफीगंज में चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे। इस दौरान एक वृद्ध ने हंगामा किया, दोनों हाथ में कागज लिए वृद्ध चोर है नीतीश कुमार को देख करके चिल्लाने लगा। हंगामा देख सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी तुरंत हरकत में आ गए। एक पुलिसकर्मी ने वृद्ध को गला पकड़कर ढकेल दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी वृद्ध को शांत करने और उसे हंगामा करने से रोकने में लगे रहे। वृद्ध के विरोध प्रदर्शन के चलते वहां कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल भी रहा। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री का भाषण चलता रहा। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह वृद्ध को चुप कराया। नीतीश कुमार ने मंच से कहा कि मंच को छोड़ दीजिए, पुलिस के जवान उन्हें तंग न करें, वे कागज देना चाहते हैं तो ले लीजिए। मुख्यमंत्री की सभा का ये वीडियो महागठबंधन खेमे में वायरल हो रहा है। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने वीडियो को ट्वीट पर डाला भी है। उनके कुछ फॉलोअर्स ने लिखा है कि किसी के नहीं सुनेंगे, तेजस्वी को चुनेंगे। कई तरह के नारे भी सोशल मीडिया पर गूंजने लगे हैं। साफ तौर से आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि जानबूझकर नीतीश कुमार जहां जहां सभाएं लेते हैं, वहां वहां तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के लोगों को भेज देते हैं। चिराग पासवान भी अपनी पार्टी के लोगों को भेज देते हैं ताकि उनके भाषण की खिलाफत की जा सके। सच्चाई क्या है, ये तो वहीं का प्रशासन, वहीं के पुलिसकर्मी ही जाने। हम फिलहाल बेहतर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश में होते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न केवल शेयर करें बल्कि हमारे चैनल को झट से सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि देसी स्टाइल में देसी भारत की खबरें आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। नमस्कार।